पीयूष जैसे फाइटिंग स्पिरिट वाले लोगों की वजह से इस चैंपियनशिप को लेकर मेरी उम्मीदें बढ़ रही हैं, मेरा जोश बढ़ रहा है। अब यही सपना है कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़े कि ये नेशनल से लेके इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक बन जाए। वेल, वैसे भी इस बार इंटरनेशनल फ्लेवर आया था एक बिन बुलाए मेहमान के रूप में, जब हॉलैंड से आ पहुंचे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी। देखिए क्या हुआ। I came here for the tournament. I come from Holland and I spent a lot of money for my ticket and I was hoping that I could compete with your tournament. But why did you travel without calling us? You should have given us a call before coming. It's a national tournament. But the reason why I came is I saw it was an Akshay Kumar tournament, so I know this man. He's a big star in this country, so that's why I came here and I wanted to compete with this tournament because I love karate. No, I really appreciate your love for karate and I understand that you traveled so far. But the last date for the tournament was 15th September. We got over 33,000 entries and out of which we have taken only 2,400. All the other entries were rejected. So how do I take you in? You have to understand my position. I want to compete, that's why I came. I took a lot of risk. I can't go home with empty hands. I will have to speak to Mr. Akshay Kumar. If sir says a yes, I will try for you. I can't promise anything. I'm just going to try. I'm here, I'm waiting. Give me 5 minutes. Yes, all right. Thank you. Thank you. They let me participate with the tournament. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bam! Oh, I feel excited. Bam. Yes. अनिकेत ने लगान पिक्चर की याद दिलाई थी हमें। फाइनल में उन्होंने हॉलैंड के हमारे एक फ्रेंडली प्लेयर को हराया था। एक जोरदार तालियां अनिकेत टिप्पणी के लिए। बहुत बुखार हो गया था तो मेरी दादी ने इसका जूस बना के पिलाया था। उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। अक्षय कुमार को थैंक यू कहना चाहती हूँ और उनको एक बार एनएससी में इनवाइट करती हूँ। हम अक्षय कुमार से कहना चाहते हैं थैंक यू इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए। खाना बहुत अच्छा था, होटल भी हमारा बहुत अच्छा है। मेरा नाम एकता है। मैं यहाँ पे कराटे खेलने के लिए आई हूँ। भैया ने बताया था पहले कि यहाँ पे चैंपियनशिप है, इसलिए आए हैं। अब वो अक्षय कुमार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग एनएसजी कैंप से आए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज, हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ पे, सर्विस करते हैं।
बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा आता है और हम लोग बहुत सोचते भी हैं। हमने उसको मजाक बनाया है, सोच यानी शौचालय होता है ना, उसको हमने बनाया कि सोच कभी भी आ सकती है। ये जो चिकन है ये मुझे बहुत पसंद है, इसका जूस। जब मुझे ये कप पसंद आया तो मेरी जो मैं मुझे बहुत बुखार हो गया था तो मेरी दादी ने इसका जूस बना के पिलाया था, उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं दूध पीती हूँ, रोज दूध पीती हूँ और सैलड रोज खाती हूँ, सलाद रोज खाती हूँ और अक्षय कुमार को थैंक यू कहना चाहती हूँ और उनको एक बार NSG में इनवाइट करती हूँ। जैसे सलमान आए थे, धोनी आए थे, सचिन, हरभजन सारे आए थे NSG में, अक्षय कुमार को भी इनवाइट करना चाहते हैं जैसे उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया था। हम अक्षय कुमार से कहना चाहते हैं थैंक यू इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए, खाना बहुत अच्छा था, होटल भी हमारा बहुत अच्छा है और कि ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते रहिए जिससे हमें खेलने का मौका। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।